Vande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Vande Nitva Nanda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nanga Vande Radhika Charano Dayam Gopi Jano Samayutam Binda Vanam Manohar Banchakalpataru Vashakipasindu Bevachu Patitanang Pavanebha Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalang Pangung Langhayat Girim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Bindavai Tulsidebhai Piyavai Keshavasaj Krishna Bhakti Pade Devi Svatvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Narancheiva Narottama Devim Swarasvatim Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauri Patrasya Prakasanecha Chadanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramadak Jagod Barinya Deyam Sada Paribhavagnam Avishchadoham Tethas Padam Siva Virinchinutam Saranyam Bhitatiham Panatapala Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charana Ravindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Vispurujita kimapikupavadu svadarsi Purananuragara sasagara saramurti Saradhikamai kadakipam karot Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Siyadvaita gadadhara sivasadi Gaura bhakta vinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Ajanulambita bhujau kanaka badato, sanketanaikapitaro kamala yatakshau. Vishambaro dijavaro yogadharma palo Bande yagat priyakaro karuna avataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Naham Bibhemite Yati Bhayanukasa Jyohar Konetra Bhukati Ravaswa Gradanstar Antas Sajaho Khatajo Kesharo Sankaranad Nirahad Abhita Digbhad Ribhinna Nakhagra Trasta asmi aham kipanavasalo dusvahagra Sangsara chakra kadanad grasatam parnitam Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ji ne bataye Kaya mano vakya kare udvegna dibe Shastra ka e bachan ka sahara lekar अप्राकित सत्व वचन बंद मत करो काय मने वाक्य किसी को उद्वेग ना दो शास्त्रों का ये वचन का सहारा लेते हुए तुम अप्राकित जगत का कठोर सत्व वचन क्यों छोड़ रहे हो ये बताना चाहिए ये करुणा है सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का ये जो कहना है इसमें गौड़ियों
गगन का जो प्रचार का जो विशेष है, जिसका बारे में पिछले दो एक दिन में हमने उठाया था बात को, जो इसका बारे में हम थोड़ा व्याख्या कर नहीं पाए, टू अरेस्ट द करंट परवर्टेड टाइड ऑफ दिस सोसाइटी इज अ सीमिंगली अनप्लेजेंट ड्यूटी ऑफ गौड़ीय मठ। आप सोचो, अंतिम समय में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सोरी जब शरीर शांत होने जा रहा है, अंतिम वाणी में बताए, हम अपराकृत जगत का जो भजन का मसला, भजन का बारे में आप लोगों को बोलने गया, इसमें बड़ा भारी उद्वेग दिया आप लोगों को, उपाय नहीं था, यही कोरोना था। ये बात सुनकर बहुत आदमी मेरा ऊपर गुस्सा भी हो गए, रूठ गए, क्यों ऐसा बताते हैं। लेकिन वो लोग का अगर तकदीर अच्छा है, टुडे और टुमोरो दे कैन रियलाइज व्हाट बेनिफिट आई वांटेड टू गिव देम। सीसीला भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जी ने बताए जे निरपेक्ष ना होइले धर्म ना जाए रक्षणे, ये अकैत्व सत्य वचन चैतन्य चरितामृत का इसको पालन करने में अगर पूरा दुनिया हमारा खिलाफ हो जाए, हमको आक्रमण करने आए, फिर भी अपराकृत सत्य वस्तु को हम पकड़े रहे, तो वो सत्य वस्तु आपको रक्षा के लिए आएंगे। आई डोंट नीड योर सपोर्ट, आपका सपोर्ट हमको जरूरी है नहीं। अपराकृत सत्व को हम पकड़ के रखे तो वो अपराकृत सत्व जिसका लिए हमारा जीवन जिंदगी निछावर कर दिया, डेडिकेटेड है, वो अपराकृत सत्व हमको रक्षा करने के लिए उतर आएंगे, नहीं तो सारे झूठ हो जाएगा। शिल भक्ति प्रोग्राम केशव गोस्वामी महाराज जी ने बताए चैतन्य चरितामृत का ये जो अकैत्व सत्य वचन, निरपेक्ष ना होइले धर्म ना जाए रक्षणे, इसको रक्षा करने जाए तो तमाम दुनिया आक्रमण करे, विरुद्ध हो जाए, फिर भी जितना भी समस्या आक्रमण सहन करके दुनिया का सामने हमारा आइडियालिज्म संत समाज का ये स्थापन करना ही शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद गौड़ीय मिशन का एक्टिविटीज है। गौड़ीय मिशन किसी को ऑयलिंग करके मनाएंगे नहीं, अपराकृत सत्य वचन को आपका सामने धर देंगे, इसमें आपका इच्छा हो जे नित्य कल्याण वास्तव कल्याण आपको चाहिए तो जितना भी कठोर शब्द हो आपको सुनना चाहिए। अभी सी प्रहलाद महाराज जी का जो श्लोक देखे हमने शुरू किया, इनमें प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ना हम विभेमिते अति भयान कस्सो जीवहार को नेत्र भुकुटी रभस अग्रदंष्टाद अंत सजहक कथजो केशर शंकु कर्णाद निर्हाद अभीत दिग्भाद रिभिन्न नकाग्रात त्रस्त उस्मि अहम कपन किपन वत्सल दुस्सह उग्रो संसार चक्र कदनात ग्रसतम प्रणीतम। हे नृसिंहदेव, आपका जो भयावह मूर्ति है इसका व्याख्या का टाइम नहीं है, आप इमेजिन कर लो। ये जो आपका मूर्ति है, ये मूर्ति को हम डरते नहीं हैं, हम तो डरते हैं ठाकुर जी, ये दुनिया का आदमी जो संसार चक्र में, संसार चक्र कदनाद ग्रसतम प्रणीतम, हर वक्त ये दुनिया का आदमी जो ये संसार में लगे हैं, उसका एक एक करके जो मुसीबतें आते रहते हैं उसमें उसका जिंदगी खतरा है। और काल भी थोड़ा बताया था गोकर्ण जी महाराज कठोर वाणी बोल के कैसे अपना पिता आत्मदेव का कल्याण करने के लिए मजबूर हो गया था, वहां भी बताया था, बार बार बताए देहो अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम तेजोतम जया सुता दीशु ममताम विमुंचो
पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। वैराग्य बोलने से वैराग्य पैदा होगा? नेवर। ये तो साधु का कर्तव्य है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए एक संतों का तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन थ्री मेन क्वालिटीज, सरलता, दृढ़ता, निरपेक्षता। भक्ति विनोद ठाकुर का कहना, हम कोई बना के बात नहीं करते। तमाम दुनिया अगेंस्ट मेरा चले जाए, आई डोंट केयर फॉर दैट। यहां बोला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, निरपेक्षता, सरलता, दृढ़ता तीन चीज है। इस तीन चीज को ख्याल करोगे वो संत दुनिया को मंगल कर सके, बाकी दुनिया मंगल नहीं कर सकेगा। सिलो प्रभुपाद जी ने जगत वासियों को वास्तविक मंगल देने के लिए जो सिद्धांत, जो वाणी प्रवचन दिए, हमारा परंपरा के अनुसार वही कीर्तन करने का आदेश हमारा ऊपर है। उसका बाहर हम नहीं जा सकते, उसका अंदर। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने पुरुषोत्तम धाम में मायावादी सिद्धांतों का जो कचरा हृदय से साफा करते हुए गौरांग करुणा लेते हुए बताए थे, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा तमेकम पुरुषो पुराणो श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधिर यस्तमहं प्रपदे, ऐसा बात बताया था। श्री शिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद बताते ही, जो वैराग्य का जो मसला है ये कैसे आपका जिंदगी में आएगा? संत एव अस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी आउट ऑफ योर ऑथेंटिक लेक्चर। आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी लेक्चर फ्रॉम यू। पहले भी बताए थे, You cannot expect a nice piece of lecture from me because I am not a university lecturer. You cannot expect nice language from me because I am not a linguist. What you can expect from me? Bhagavad Ji ne bataya, Sasmin Bhavanch Kesave. The direct feeling that my Guru Maharaj already have already inculcated into my heart, that I can share with you. Of course, if you are really interested, otherwise I am not going to waste my time. हमारा समय खराब करने का समय नहीं है। आप अगर चाहो, यही गुरु का लक्षण है। गोस्वामी जी ने बताए, जो गुरु शिष्यों का अंदर अपना अधक्ष जो अप्राकितो सेवा का अनुभूति का संचार ना कर सके, तो वो गुरु कामयाब नहीं हुआ। Follow my point? जो गुरु अनुगत शिष्यों का अंदर अपना भजन का जो प्रत्यक्ष अनुभव है, सेवा का जो अनुभव है, अधक्ष जो सेवा का अनुभूति वो शरणागत शिष्यों का अंदर भरपूर देने का क्षमता उसका है। और गुरु तत्व का बारे में हम चर्चा करने नहीं बैठे, लेकिन एक बात कान खुल के सुन लो, गुरु तत्व में कमेंडिंग फीचर होना चाहिए। गुरु का अगर कमेंडिंग भाव नहीं है तो सारे आदमी उसको बोका समझेगा, क्योंकि वो तो मार्ग दिखा रहा है ना। उसको अंदर में बहुत सॉफ्ट रोते हैं जीवात्मन के लिए, बाहर में उतना कठोर। जैसे परम पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज को देखो, जैसे श्री प्रभुपाद जी को देखो, श्री संतो गोस्वामी महाराज को देखो, बाहर में इतना कठोर, अंदर में रोते हैं सब जीव के लिए, कैसे इसका मंगल होगा। अगर अपरा की तो शासन लेने के लिए तुम्हारा हिम्मत नहीं है, देन यू कैन गो बैक टू होम। तुम चले जाओ, तुम्हारा मंगल नहीं होगा। तुम तो अपराध करोगे, रह के अपराध करते करते और नरक में जाओगे। यहां तक कि माधवेंद्रपुरी पाद जो परमहंस श्रेष्ठ हो, वो भी रामचंद्रपुरी को डांटा, भाग यहां से, तेरा मुख देखने से मेरा अमंगल होगा, भाग यहां से। तो क्या ये सब वैष्णव नहीं था? परमहंस श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवत जी में एक एक जगह बद्ध जीवों को गाली दिया, गाली,
और भागवत का महिमा में आता है। वहां सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोला, वही देवता लोग जो आए व्यापार बिजनेस करने के लिए, वहां गाली दे के सुखदेव गोस्वामी बताए, क्या बताए, बचे सकार जे कुशला सुराहा, मतलब आया है देवता लोग, देवता लोग मतलब आज है, मतलब हासिल करने के लिए हमारे पास आया, तो उसको गाली नहीं हुआ। सौ बराह अष्ट गोखरो, कितना गाली दिया भागवत में, लेकिन एक पॉइंट आता है, माइंड इट, ये अगर नहीं आपका दिल में ठहरेगा तो आपका जिंदे भजन जिंदगी टिकेगा नहीं। एक परमहंस व्यक्ति गौर किशोर बाबाजी महाराज दुनिया को गाली दे दे, ऐसा गाली सोच भी नहीं सकते। श्री संत गोस्वामी महाराज हमने देखे है साक्षात, सुखदेव गोस्वामी जी गाली दे रहे हैं, लेकिन एक बात कान खुलकर सुन लेना, ये परमहंस व्यक्तियों का जो गाली है ये आपका मंगल है। और वन पॉइंट, वाइटल पॉइंट ये याद करना, गोस्वामी जी ने व्याख्या किया, जब देखो परमहंस व्यक्तियों ने बहुत कठोर बात बोल रहे हैं तो गोस्वामी जी ने व्याख्या किया, इसमें उसका दिल ठहरता नहीं है। जैसे आपका साथ पड़ोसी का साथ लड़ाई हो गया, लेकिन उसका जो रिएक्शन है उसका दिल में आपका रह गया, आप बीच बीच में सोचते हो कैसे उसको हम टाइट करेंगे उसका हम, यही खतरनाक चीज है। हमने पहले भी बताया क्या चीज है, दुनिया का ऊपर कंट्रोल, दुनिया को पूरा अपना कंट्रोल में लेने का जो आपका जो इच्छा है, दिस इज कॉल्ड बॉन्डेज। दुनिया को काबू में लेने का साहस मत करो, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। हिरण्यकशिपु क्या क्या था, हिरण्यकशिपु सोचे आई कैन कंट्रोल द होल यूनिवर्स 14 वर्ल्ड बट ही इज फूल, ही कंट्रोल, ही कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, अपने को कंट्रोल नहीं कर सका, वो दुनिया को कंट्रोल करके क्या करे, हम भाषण देके आपका सामने क्या करे, अगर अपना अपना अंदर में कुछ सब कचरा भरा हुआ है, सत्य प्रवचन देने का हमारा हिम्मत नहीं है, तो हम क्या करें, क्या करें बोलो, हमारा द्वारा तो आपका कल्याण नहीं हो सकता किसी भी हालत से। इसलिए प्रभुपाद जी ने देखो ये बोला, ये परमहंस लोग बोलते हैं लेकिन गोस्वामी जी ने बोला इसमें उसका मन लगन लगता नहीं, उसका फोकस नहीं है, इसमें लगन लगा के बैठते नहीं है, अभी गाली दिया बस चला गया, उसको कोरोना किया, दूसरा चीजों में इसका मन चला गया, ठाकुर जी में ध्यान दिया। और अद्वैत ग्रंथ तत्व में रिलेटेड है, वो कोई दूजा भाव नहीं है, इसको हम गाली दिया, वो सेपरेट तत्व, वो जानते हैं अद्वैत ग्रंथ तत्व, फिर भी गाली देते हैं, शासन करते हैं, लेकिन दुनिया मानते नहीं। गुरु वैष्णव का शासन ना करे, एक जगह इलाज अगर ठीक नहीं हुआ दूसरा जगह जाओ, तुम्हारा इलाज रह जाएगा, तुम्हारा बीमार रह जाएगा, तो तुम क्या करोगे। श्रील सरस्वती ठाकुर जी ने बताए ये वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, ये वैराग्य विद्या बोला गया, लेकिन मायावादी का पूरा दुनिया का तमाम दुनिया का जो हरिभक्ति से परे है, माने हरिभक्ति जिसका अंदर नहीं है, उसका वैराग्य से मेरा कोई काम नहीं है, उसका वैराग्य से मेरा कोई काम नहीं है, चलो जितना सारे वैराग्य दिखाना बाजार में दिखाओ। लेकिन वैराग्य को विद्या कब को बोला जाता है, जब गुरु वैष्णव का चरण में आपका मन रमन करता है, कभी उसको भूल मत समझो, खतरा है कभी मत भूल समझो मत कभी। श्रील सरस्वती ठाकुर जी ने श्रील चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन धर्मो संकीर्तन महायज्ञ शिवा सांगन में हुआ था, उसको ही श्रील प्रभुपाद जी ने बताया गौड़ीय मठ का एक एक डेडिकेटेड सोल, वो लोग चैतन्य महा चैतन्य वाणी का जो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन का अग्नि, उसमें अपना आत्महुति देने के लिए तैयार है। इसलिए आपको वाणी सेवा का जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल गौड़ीय दर्शन का बेसिक चीज है जो वाणी का सहारा लेना पड़ेगा, वो भी अप्राकृत वाणी। अब महाराज बात ये उठता है, जो प्राकृत शब्दों अप्राकृत शब्दों रिलेटिव बोल के जो चीज है, इसको व्याख्या करने जाए तो समय लगता है, इधर थोड़ा बोला था, दिस रिलेटिव जो आइडिया, रिलेटिव वर्ल्ड, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव जो कुछ भी है, हमने थोड़ा व्याख्या किया था,
इसमें आइंस्टाइन का रिलेटिव थ्योरी भी आता है, हम ये सब चर्चा नहीं करने बैठे हैं, लेकिन एक बात सुन लो, रिलेटिव वर्ल्ड और अपरागिक जगत का जो वास्तव जगत, इन दोनों में फर्क आपका समझ में नहीं आया तो यू कैन नॉट स्टैंड। माया का इतना प्रवाह चल रहे हैं, इसमें आप खड़ा नहीं हो सकोगे, ऐसा रास्ता है। तो बात यह है कि पहले शब्द ब्रह्म क्या है इसको समझने के लिए, प्राकृत शब्द क्या है और अप्राकृत शब्द क्या है इसमें फड़ाक समझने का कोशिश करो। हमारा पास टाइम नहीं है इतना डिटेल्स डिस्कशन करे। वेदांत सूत्रों में दो सूत्रों को हम थोड़ा बहुत उठाएंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ गौरी मठ। वेदांतों में दो सूत्रों, एक सूत्र है इच्छेतेन अशब्दम और एक शब्दों का हम व्याख्या करेंगे गौणश्चेत न आत्मशब्दम, गौणश्चेत न आत्मशब्दम और इच्छेतेन अशब्दम। तो इसमें गौणश्चेत न आत्मशब्दम जो आत्मशब्द है, आत्मवाक्य जो है, जिसको बोला जाता है अप्राकृत शब्दों, अप्राकृत शब्द ब्रह्म, ये जो है ये दुनिया का शब्दों का मापिक नाशवान नहीं है। गेट माई पॉइंट? प्राकृत शब्दों का उत्पत्ति स्थल ये प्राकृत जगत है, लय प्राप्त होता है इस जगत में लय प्राप्त होता है, लेकिन वैकुंठ शब्दों वैकुंठ जगत से उतारते हैं, बट यू विल हैव टू ट्रेस आउट द एक्चुअल सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द जेन्युइन साउंड वाइब्रेशन, आपको ये ढूंढना है, वो भी कृपा का सा कृपा जरूरी है, अपना अहंकार के द्वारा यू कैन नॉट फाइंड आउट। ये जो गौणश्चेत न आत्मशब्दम, ये अपरागिक जगत का जो शब्द, ये मुख्य शब्द है, उसका अंदर प्राण है। प्राकृत शब्दों में सोचो कि हम आम आम बोल के चिल्ला रहे, तो आम एक वस्तु है जिसको व्याकरण में बा सब भाषाविद ने आम, ये मैंगो इंग्लिश में ये शब्द देकर वो फल को डिनोट किया, आइडेंटिफाई किया, और हमको आइडेंटिफाई किया श्यामल बोल के, हमारा पूर्वाश्रम का नाम था। तो ऐसा जो नाम दिया गया, ये जो नाम है और जो नाम जिसका साथ जुड़ा हुआ, जो वस्तु और व्यक्ति का साथ, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ी समय के लिए इट इज यूजफुल फॉर यू, बट आफ्टर सर्टेन प्योर इट इज नॉट यूजफुल। समझा मेरा बात? कामयाब ना होगे। ये महाराज इधर है और उसको अगर कोई फरीदाबाद में बुलाए तो वो सुन नहीं सकता, समझा? लेकिन गौणश्चेत न आत्मशब्दम, जो आत्मशब्द है भागवत का, एक एक शब्दों का जो वाक्य है वेदांतों का, अपरागिक जगत का, जितना सारे गुरु वैष्णवों का मुखारविंद से पिघलते हुए जो अपरागिक जगत का वाणी आते हैं, इसमें जो वाणी उच्चारण किया एंड द ऑब्जेक्ट द मीन इज आइडेंटिकल। समझो कि सिसिल माधवेंद्रपुरी पर चिल्ला रहे हा वृंदावन, हा कृष्ण हमको नहीं मिला वृंदावन, तो ये मत समझना कि आपको रेल का टिकट बनाकर वृंदावन में जाना पड़ेगा आपको, फॉर यू। लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद का ये जो चिल्लाने का सा हा वृंदावन हा कृष्ण हम, तो उसका साथ साथ वृंदावन और कृष्ण स्वयं अवतरित हो जाते हैं, उसका शब्दों का साथ आइडेंटिकल है। इसका बारे में काल समय मिले तो हम चर्चा करेंगे। गुरु वर्गो, हमारा गुरुपाद पद्म हमको कृष्ण नाम दिए हैं, मतलब कृष्णों को स्वयं दिए हैं, कृष्णों को स्वयं दिए। बद्धजीव अगर गुरु का भूमिका में है, वो जगत का सारे प्रतिष्ठा लूटने के लिए तैयार है, आई एम नॉट रेडी टू गिव एनी ऑनर टू हिम। हमारा पास समय नहीं, ये सब नहीं करेंगे, सिर्फ प्रभुपाद और गुरु वर्ग का आदेश मान के ही चलेंगे। इच्छेतेना अशब्दम, दो मिनट व्याख्या करके छोड़ेंगे, इसको तो व्याख्या हुआ नहीं। इच्छेतेना अशब्दम, वेदांत सूत्र में बोला अप, इसके इक्केतेन अशब्दम, जो शब्द नहीं है उसको देखने का कोशिश ना करो, अर्थात घुमाकर बोला
अप्राकृत शब्दों को देखने का कोशिश करो। नाउ क्वेश्चन कमिंग, महाराज शब्दों को ही देखा जाता है? शब्दों देखा जाता है, यस शब्दों देखा जाता है। शब्दों का क्या क्रिया है, शब्दों का क्या प्रभाव है, इसका बारे में काल चर्चा करने का इच्छा है, क्योंकि सभापति का आदेश है अभी खत्म करो। कैसे आधा घंटा क्षमा खत्म हो गया हमको पता नहीं है, क्षमा करना। ना हम विभेमिते यति भयानकस्य जिह्वार कनेत्र भुकुटीर अवसो गृदंसात् अंतःसजः खतजो केसर शङ्खकर्णात् निरहाद दिग्भादरि भिन्न नखाग्रात् त्रस्त अस्मि अहम् किपनवत्सलो दुस्सहग्र संसार चक्र गदना गसतम फनीतम वांछा कल्पतरु वश्य के पासिंद पतितानं पावने भवैष्णव्यो नमः।